नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक ट्रिक यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा ट्रिक आपको मिल जाए जिसे कि आप आसानी से अपने घर पे किसी को दिखा सके या, या अपने दोस्तों को दिखा सके तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन कार्ड मैजिक ट्रिक जो कि आप इसे आसानी से अपने दोस्त को या अपने घर पर इसे कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का यह कार्ड का ट्रिक तो दोस्तों इस ट्रिक को हम दिखाने जा रहे हैं अभी रोहित को मैजिशियन इसे कहीं भी जा कर के दिखाते हैं यानी चौक चौराहे पर जा कर के दिखाते हैं तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है मेरे साथ कि चौक चौराहे पर जाने में अभी हवा तेज है और कुछ परेशानी है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या नाम है आपका रोहित 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 जी आप क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करते हैं तो आप में से कुछ बुद्धिमान लोग होंगे जो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके कहें कि बच्चे को आप कार्ड का ट्रिक दिखा रहे हैं यानी ताश खेलना तो ऐसी बात नहीं है नाइन टेन के मैथ में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में दिया गया है ताश का क्वेश्चन तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि ताश खेलना हम सिखा रहे हैं यहाँ पर आप तो कार्ड पहचान लेते होइएगा हुई हुईगा ओके तो यहाँ पर देखिए इस कार्ड को हम मिक्स कर देते हैं ठीक है ठीक है यहाँ से हम इसे इस तरह से मिक्स करके और यहाँ पर आप देखिए कि सभी कार्ड एक जैसा है अलग अलग है अलग अलग है अलग अलग है ना ओके तो यहाँ पर कैमरा में भी हम दिखा दे रहे हैं अलग अलग है अब यहाँ से हम जैसे ही ऊपर खींचेंगे आप कहीं भी टच कीजिएगा ओके कहीं भी उंगली रखिएगा ओके तो खींचिए वो कार्ड और देख लीजिए उस कार्ड को देख करके यहाँ पर डालिए हमें मत दिखाइएगा डाल दिए कौन सा कार्ड था अच्छा से पहचान लिए हुए हाँ। हैं हम यहाँ पर एक मैजिक करेंगे और एक कार्ड यहाँ पर निकल करके चलाएगा यही कार्ड था हाँ। तो यही कार्ड इन्होंने पसंद किया था तो मैं आप बीच में डाले थे या ऊपर डाल दिए थे कहाँ पर डाले थे कुछ तो बोलिए कहाँ पर आप कार्ड डाले थे? थे बीच में डाले थे बीच में डाले थे हाँ। तो ये तो ऊपर आ गया हाँ। तो एक ये मैजिक आपको कैसा लगा है गजब गजब लगा है तो बोलिए व्यूअर्स को लाइक करने के लिए प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर सब बात देख के बारे में बोल दिए तो दोस्तों इस कार्ड के ट्रिक को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ लड़के खड़े हैं तो इन्हीं को ये कार्ड का ट्रिक दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम इस कार्ड को कट मारते हैं और इस कार्ड को यहाँ से हम कट मारे और देखिए इस कार्ड को देखिए एक ही जैसा सब या सब सब डिफरेंट है यहाँ पर देखिए कैसा कार्ड है डिफरेंट है, है ना तो यहाँ पर आप हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसे ऊपर करेंगे और कहीं पर आप उंगली रखिए कहीं पर डालिए ओके इस कार्ड को खींचिए और उस कार्ड को आप देख लीजिए हमें मत दिखाइएगा देख लिए आप यहाँ पर डालिए और कैमरा में भी दिखा दीजिए आप दिखा दिए अब यहाँ पर इसे डालिए एक कार्ड यहाँ डाले एक कार्ड यहाँ डाले ओके कौन सा कार्ड था हम नहीं देखे हैं हम यहाँ पर एक मैजिक करेंगे और एक कार्ड आ जाएगा यहाँ पर यही कार्ड था यही था इन्होंने पसंद किया था कालापान का नहला तो दोस्तों यह एक जबरदस्त मैजिक है आप लोगों को अगर पसंद आया आप लोगों को पसंद नहीं आया है बहुत बहुत, अच्छा दोस्तों यह कार्ड ट्रिक बेहद ही जबरदस्त कार्ड ट्रिक है क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं कि इस कार्ड को सफल कर देते हैं कट मार देते हैं और इसके बावजूद ही मान लिया कि ऑडियंस इस कार्ड को पहचाना यहाँ पर ईंट का गुलाम है और इसे यहाँ पर डाल दिया आप यहाँ से एक मैजिक करेंगे और मैजिक करने के बाद ईंट का गुलाम ऊपर चलाएगा तो दोस्तों इसका क्या रहस्य है यही रहस्य आपको हम अभी बताने जा रहे हैं अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे के लाल बटन को दबा करके बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया ट्रिक हम डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा तो आइए बताते हैं इसका क्या रहस्य है दोस्तों इस कार्ड को ट्रिक को आप जब भी दिखाएंगे तो ऑडियंस को आप ऐसा बता देंगे कि यहाँ पर देखिए सभी कार्ड सभी कलर का है यहाँ से आप देख रहे हैं कि सभी कार्ड सभी कलर का है और इस साइड से भी आप इसे दिखा देंगे कि यहाँ पर सभी कार्ड सभी तरह का है लेकिन दोस्तों जब आप इसे कट मार करके कोई भी कार्ड आप पिक करवाते हैं जैसे कि यहाँ पर हम इसे रखें और यहाँ से कहीं भी उंगली डालने के लिए बोलेंगे हम तो मान लीजिए कि यहाँ पर उंगली डालो तो इसे दिखाएंगे ईट का गुलाम है और यहाँ पर डाल करके इसे ऐसे दबाएंगे और आ जाएगा ईंट का गुलाम ऊपर तो इसका क्या रहस्य देखिए इसमें होता यह है कि जो ईंट का गुलाम है वह इसमें रखा गया है आधा तो इसमें 26 कार्ड ईंट का गुलाम है और 26 कार्ड बाकी दूसरे पत्ती है तो आप हो सके तो दो चार पत्ती ज्यादा भी रख सकते हैं मिक्स करके इसमें कोई गिनती करने आपको जाएगा नहीं तो यहाँ पर देखिए ईंट का गुलाम इधर है और इधर दूसरा पत्ती तो इधर देखिए आधा कार्ड आपको दूसरा निकल जाएगा इसके अंदर से और आधा कार्ड ईट का गुलाम यानी जो भी आप कार्ड निकालेंगे या कोई कार्ड आप पिक करवाना चाहते हैं तो वो आधा कार्ड इसमें रखना पड़ता है आप यह देख करके सोच रहे होंगे कि हम इस आधा पत्ती को कहाँ से लाएंगे और किस तरह से बनाएंगे तो आप चिंता मत कीजिए हम आपको बता भी दे रहे हैं और अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते तो आप ले भी सकते हैं नीचे नंबर दिया हुआ सुमन मंजिक शॉप का नंबर है चौरानवे तीस चालीस इक्यानवे इस कार्ड का नाम है सेवेंगली डेक यानी सबंगली के नाम से यह जाना जाता है इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है इस कार्ड को किया क्या जाता है कि हल्का सा यहाँ पर छोटा कर दिया जाता है यहाँ पर आप इसका कट हल्का सा देख रहे होंगे इस कार्ड के पास रखेंगे तो आप इसे आसानी से देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा कट इसको लगाया गया है थोड़ा सा यहाँ पर और इस तरह से सभी जो ईंट का गुलाम है जिसे कि निकालना था इस कार्ड के अंदर से उसमें सभी कार्ड में कट मारना है अगर आप इस तरह का कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको 26 कार्ड का डेक खरीदना होगा और 26 कार्ड के डेक को खरीद करके आपको उसमें से सभी पत्ती हटा लेना होगा आप जिसको भी जिमिक बनाना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पर बनाए हैं ईंट का गुलाम तो ईंट के गुलाम को छब्बीस कार्ड को यहाँ पर निकाल लिया गया है और हल्का हल्का कट दे दिया गया है अगर आप चीरी का चौका को बनाएंगे तो यहाँ पर चीरी के चौका आपको निकालना पड़ेगा छब्बीस और थोड़ा सा कट यहाँ पर हल्का सा तिरछा करके यहाँ पर लगाना होगा ताकि किसी को मालूम ना चल पाए तो यहाँ से इस कार्ड को सेट कैसे करना है यह आप देख लीजिए तो यहाँ पर एक कार्ड हम ये डालेंगे और एक ए एक ए और एक कार्ड यहाँ पर जो है दोनों मिक्स करके डालते चले जाएँगे और दोनों को मिक्स कर देने के बाद आपका यह कार्ड सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका कार्ड रेडी हो गया है मैजिक दिखाने के लिए यहाँ पर होता यह है कि जब भी आप कार्ड को उठाते हैं तो एक कार्ड होता क्या है कि जो एक साइज का कार्ड है वह मेरे हाथों में चला आता है यानी कि यहाँ पर जो नीचे कार्ड है जो बिना कटा हुआ है वही मेरे हाथों में आया है और यहाँ पर वो कार्ड रह गया है जो जिमिक है जो हल्का सा कटा हुआ है यानी ईंट का गुलाम है इस तरह से कई सारे आपको ईंट का गुलाम किसी कार्ड में मिल जाएंगे तो किसी कार्ड में आप जो सेट करके रखेंगे वही कार्ड आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो भी ऑडियंस होगा उसे हम बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर हम कट मार देते हैं और कट जब भी आप मारिएगा तो इस तरह से आपको उठा करके इसे ऐसे मिला करके आप किसी ऑडियंस को बोलिएगा आप एक बार यहाँ से खुद से आप कट मार दीजिए तो वो खुद से यहाँ से कट मार देगा कट मारने के बाद आप इसे यहाँ पर रख देंगे रख देने के बाद इसे यहाँ से बोलें कि कहीं पे भी आप उंगली डालिए यहाँ पर उंगली डालेगा तो वह आएगा ईंट का है गुलाम आप इसे सिंपली यहाँ पर रखवा देंगे रखवा देने के बाद आप यहाँ पर इस कार्ड के डेक को ऊपर से रख करके और यहाँ पर इस तरह से आसानी से ईंट का गुलाम आप निकाल पाएंगे दोस्तों इस ट्रिक को और भी तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि आप दिखाते हैं सबसे पहले कि इसमें सभी कार्ड सभी कलर का है लेकिन आप जब इसमें मैजिक करते हैं तब यह कार्ड सभी एक कलर का है ईट का है गुलाम हो जाता है तो ऐसा इसलिए होता है कि आप जब भी दिखाते हैं कि सभी कार्ड डिफरेंट है तो आपको ऐसे होल्ड करना है और फिर दिखाना है यहाँ पर सभी कार्ड सभी कलर का है और इधर भी पकड़ करके आपको दिखा देना है सभी कार्ड सभी कलर का है और फिर जब इसे मैजिक करेंगे तो यहां पर हम इस तरह से होल्ड करेंगे पहले इस तरह से होल्ड किए थे अब इसे इस तरह से होल्ड कर देंगे अब इस तरह से होल्ड करके यहां पर दिखाएंगे सभी ईंट का ही गुलाम है तो दोस्तों इस कार्ड का ट्रिक हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों यह कार्ड का ट्रिक अगर आप बनाना नहीं चाहते ये सब झमेला से आप दूर रहना चाहते हैं तो नीचे सुमन मजीदी सो का नंबर दिया हुआ है नंबर है चौरानवे तीस चालीस इक्यानवे का वहाँ पर कॉल करके आप आसानी से इस कार्ड के ट्रिक को अपने पास मंगवा सकते हैं और दोस्तों इस कार्ड के ट्रिक को जल्दी कोई नहीं पकड़ पाता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंट आपको पता नहीं चल रहा होगा एक दूसरे कार्ड में तो इतनी सावधानी से और इतनी बारीकी से इसका कट किया गया है कि कोई जल्दी पहचान नहीं पाएगा तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैजिक के साथ तो लेगा दीजिए नमस्कार